पतली होती जा रही हूँ, मतलब ये टी शर्ट भी इतनी लूज आ गई। क्यों परेशान कर रहे पापा को? स्मॉल वाले कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने जितना, मतलब बैक में भी फिर से स्टार्ट हो गया मेरा दर्द। चॉकलेट के नाम से देखो भागी जाएगी। क्रीम खाओगे आप? कितनी खाओगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह के अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, घड़ी रुक चुकी है हमारी, ठीक है, फ़ोन में देखना पड़ता है। तो 11 बज रहे होंगे आई थिंक। तो काम वाम सब हो चुके हैं, घर के नहाना धोना भी हो गया, कुकू को भी नहला दिया, पति देव ड्यूटी जा चुके, उन्हें नाश्ता बना के दे दिया था और मैं भी अब नाश्ता करने जा रही हूँ। आज छोले और चने की चाट बना रही है मैंने, उनको बना के दे दी थी, अपने लिए बना रही हूँ। तो बस अभी कुछ ऐसा ही है और बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, ठीक है, और ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो बस घर मत टपवाना भगवान जी, क्योंकि बारिश हो गई अभी ख़त्म हुई है, ठीक है। तो इतनी बारिश ठीक लगती है जिसमें ठीक ठीक भी रहे, ज़्यादा कीचड़ कीचड़ भी ना हो और ठीक है, मतलब मौसम भी अच्छा रहे। खैर अभी धूप निकलने के चांसेस हैं तो कपड़े वपड़े सुखा दिए मैंने, कुछ कपड़े यहीं पे डाले हुए थे मैंने, मॉर्निंग में ही धो दिए थे, बाकी थोड़े बहुत मैंने पीछे डाल दिए हैं। तो पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कपड़े वपड़े का। और कुकू अपने कार्टून देख रही है अभी, कुछ ऐसा ही है। और मुझे बात और शेयर करनी थी गाइज, मैं तो सच बता रही हूँ और पतली होती जा रही हूँ, मतलब ये टी शर्ट भी इतनी लूज़ आ गई है, लूज़ ही लाई थी वैसे तो, लेकिन और लूज़ होती जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं अब तो मैं फीड भी नहीं कराती हूँ कुकू को इतना, मतलब फीड भी छुड़वा सा ही दिया है, लेकिन फिर भी मोटी होने का नाम ही नहीं ले रही हूँ यार। गाल और पिचक गए, आँखें और धसी जा रही है अंदर, ठीक है, हाथ पैर और पतले होते जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने शादी करके ही गलती कर रखी है, शादी जब से शादी हुई मेरी तब से मैं मोटी ही नहीं हुई हूँ, समझ में ही नहीं आता अब क्या करूँ। तो बाकी अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, ऐसा भी नहीं है खाने पीने में कोई कमी रखती हूँ, खाने पीना भी अच्छा कर रही हूँ मैं, लेकिन पता नहीं मोटी ही नहीं होती हूँ। और शादी से पहले मुझे हवा भी लग जाती थी, मतलब ऐसी कोई फूंक भी मार दे मुझे तब भी लग जाएगा मोटी हो जाऊँगी, लेकिन इस गेंद बन जाती थी तब तो मैं, लेकिन अब तो पता नहीं क्यों मोटी होने का नाम ही नहीं ले रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शरीर में ताकत भी नहीं है और मोटापा भी नहीं आ रहा है, मतलब मोटापा वैसे नहीं, हेल्दी मीन्स कि थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए ना कि हाँ हाथ पैर में जाना है। देख रहे मेरे हाथ कैसे रखे हैं, क्या करें। बस मैं तो इतना ही बोलूँगी कि सभी लेडीज़ को अपना खाने पीने का ध्यान रखें, और मैं क्या बोलूँ यार, बल्कि मैं तो एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, ना एक्सरसाइज कर रही हूँ ना योगा कर रही हूँ, बल्कि खा के मैं सो भी जाती हूँ अब दिन में, लेकिन फिर भी मैं मोटी नहीं हो रही हूँ। थोड़ा बहुत मोटापा आया होगा तो पेट पर ही आया होगा, उससे अलग मैंने कहीं मोटापा नहीं आया, भगवान जाने अब मेरा क्या होने वाला है, लेकिन क्या ही करूँ मैं सच में। अब कोई यहाँ मज़ा कर रही है, पोएम सुनती रहती है, अपना डांस करती रहती है। चलो अपनी चाट बनाते हैं। तो गाइज़ आज मैं बनाने वाली हूँ बीन और आलू की सब्ज़ी, और साथ में होगी रोटी। और मौसम अभी ठीक हो चुका है, धूप तो नहीं आई है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि मैंने अभी नाश्ता भी कर लिया और टाइम हो रहा है 12:30, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन मैं जैसे भी खड़े होके आई ना, मतलब मैं चेयर से उठी और मुझे पता नहीं चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, मतलब इतना अच्छा खाने के बाद भी मुझे क्यों कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं चक्कर आ रहे हैं अभी। तो खाना तो बनाना ही है, ठीक है, फटाफट खाना बनाती हूँ और खाना बना के फिर रेस्ट करूँगी। और एक चीज़ और, कुकू का जैसे मैं गाय का दूध देती थी उसको, तो वो बिल्कुल ठीक डाइजेस्ट भी कर लेती थी और अच्छे से उसको पच भी जाता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम पैकेट वाला दूध ले रहे हैं बाहर से, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो पचा नहीं पा रही आई थिंक। तो क्योंकि बच्चे का दूध चेंज हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे को, मैंने सुना भी था ये चीज़, लेकिन मैंने नोटिस किया अभी उसको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब उसका पेट बहुत टाइट टाइट रहने लगा है और वो इतना फ्रेश भी नहीं हो पाती ठीक से। तो मैं इस बारे में आशीष से बात करूँगी कि कहीं और से मैं थोड़े दिनों के लिए दूध ले लें, क्योंकि अभी मैं हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ भैया को फ़ोन करने की, ऑब्वियस ही बात है उनका उनके पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो यार उस चीज़ से निकलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, माँ बाप का साथ छूटना आसान बात नहीं होती है बच्चे के लिए। तो बस वही है कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रही उन्हें फ़ोन करने की कि आप कब तक आओगे, तो कोई बात नहीं, उन्हें अभी टाइम दे देते हैं थोड़ा सा, और कोशिश करूँगी मैं थोड़ा सा कहीं और से दूध मंगवाऊँ कुकू के लिए, क्यों उसके स्टूल पास नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेगी। तो आपके बच्चे के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, पैकेट वाला दूध तो उसको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और भैंस का दूध भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, गाय का दूध उसके लिए सही है अभी। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है, अभी खाना बना लेती हूँ। पता नहीं क्यों आज मुझे चक्कर चक्कर से महसूस हो रहे हैं, बार बार वीकनेस भी महसूस हो रही है, काम तो करना है। चलो Thank you.
परेशान कर रहे पापा को? क्यों परेशान कर रहे पापा को आप? हाँ पहचान कर ले गुड्डू। गम्मे? गम्मे? पापा सो रहे बेटा। गुड इवनिंग गाइस, और अभी शाम के 6:15 हो चुके हैं, ठीक है। और मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ, और अब काम वाम करेंगे घर के, झाड़ू और कपड़े वपड़े तय करना, ये सब कुछ। बाकी मॉर्निंग में आपको बता ही रही थी कि मैं पतली बहुत ज़्यादा हो रही हूँ। मैं आपको मेन चीज़ तो बताने भूल गई कि मुझे क्यों ये फील हुआ कि मैं पतली हो रही हूँ। एक्चुअली शादी से पहले मुझे एम एल मीडियम और लार्ज कपड़े आ जाते थे ज़्यादातर, फिर उसके बाद शादी हुई उसके बाद मैं एम पे आ गई, मीडियम पे आ गई। मीडियम से फिर मैं प्रेगनेंट हुई तो मैं एल और एक्सेल भी चली गई थी, टी शर्ट में मतलब, और पैंट भी कभी कभी। तो उसके बाद अभी कुकू 1 साल की हुई थी तो मैं लार्ज पे आ गई थी उसके बाद मतलब। और अब जब 1 महीने से मैं देख रही हूँ अपने आप को, मतलब मुझे मीडियम भी ना ढीला आ रहा है। सोचो अब मैं स्मॉल भी चली जाऊँ क्या बिल्कुल ही? तो मतलब स्मॉल वाले कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने, जितना मतलब मैंने अपने आप को संभाला है उसके बाद से तो मैं स्मॉल वाले कपड़े कभी नहीं पहने। अब समझ नहीं आ रहा यार इतनी पतली कैसे हो रही हूँ। मीडियम वाले कपड़े तो पैंट भी मुझे ढीली आ रही है, और टी शर्ट और सूट भी यहाँ तक की वो भी ढीले आ रहे हैं। तो मतलब इतना पतला होना तो ठीक नहीं है यार। बस वो ये मेन चीज़ से मुझे लगा था कि मैं इतनी पतली क्यों हो रही हूँ। हाँ, बाकी कुछ कर नहीं सकते। आई थिंक मैं ओवर थिंक कर रही हूँ ज़्यादा, ये भी हो सकता है। यार करना बनता है, मैं पतली क्यों हो रही हूँ वैसे? ऐसी क्या चीज़ हो गई है मेरे साथ? छोड़ो, पतिदेव को बालूशाही खानी थी, और सामान तो मेरे पास सारा है लेकिन घी नहीं है। तो उनको पता नहीं बालूशाही खाने की क्या क्रेजनेस चढ़ जाती है बार बार। तो मैं बोलूँगी उनको घी ले आए थोड़ा सा, क्योंकि घर का घी जो बनाया था मैंने ख़त्म हो गया, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो ख़त्म हो गया। अब बिना घी के वो बन नहीं सकती है, उसमें खस्ता बन नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर में उनको उठाती हूँ, और सो रहे हैं वो भी, तो बोलती हूँ घी लेकर आ जाए। बाकी मौसम ठीक हो रहा है, कपड़े तो आज सूखने पाए बाहर पीछे क्योंकि धूप ही नहीं आई थी। अब उनको अंदर डाल के सुखाना पड़ेगा। बाकी बादल साफ़ हो चुके हैं, बारिश तो नहीं आएगी वैसे। देखो कितने प्यारे हो रहे, अच्छा हो रहा मौसम। चलो काम वाम निपटाते हैं, कुकू को भी उठाते हैं। और कुकू आजकल बहुत शैतान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत शैतानी करती है वो। कभी कभी अच्छा भी लगता है कि वो अच्छी मतलब शैतानी कर रही है, बड़ी हो रही है, बोलने भी लगी है काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बुरा भी फील होता है कि यार इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो रही है, अभी तो पैदा हुई थी ऐसा लगता है। सच्ची में अभी ऐसा लगता है कि अभी तो पैदा हुई थी और इतनी जल्दी बड़ी भी हो रही है, धीरे धीरे 2 साल की हो जाएगी मेरी बेटी। क्यों निकल गई ऐसे दिन, वो छोटी क्यों नहीं हो जाती ऐसे सोचती हूँ मैं बार बार। पर क्या करें, बड़े तो होना पड़ेगा उसको, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। चलो काम वाम निपटाते हैं। 1 hour later। तो गाइस अभी मैं सामान वगैरह तो ले आई थी बालूशाही के लिए, मतलब घी ले आई थी, लेकिन मैं बना नहीं रही आज, पता नहीं क्यों मन सा नहीं हो रहा मेरा। बैक में भी फिर से स्टार्ट हो गया मेरा दर्द, तो मॉर्निंग में भी हो रहा था और अभी फिर से शुरू हो गया। मैं सोची आज ना बना के ना मैं कल बनाऊँगी आराम से, और कल पति देखो खिला देंगे आराम से। और अभी तो कोई यहाँ अपना ये कुरकुरे खा रही है, अभी लेकर आई थी शॉप से। हेलो गुड्डू, केजी वही केजी, केजी खा ले आप? यम 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 यम्मी यम्मी। मैं इसको बाहर की चीज़ें बहुत कम देती हूँ, पर ये वाली पता नहीं क्यों खाती है पॉपरिंग। हाँ क्या अच्छी, मानी पियोगे? मानी पियोगे? छोली छोरी क्या कहना चाह रहे हो? टोनी। क्या टोनी? कुकू हैप्पी हैप्पी? चप्पल 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 यहाँ रखो नीचे, हाथ में लेते बोलो चप्पल। कहाँ जा रहे हो इन्हें पहन के आप, हैं कहाँ जा रहे हो गुड्डू? ये गुड्डू मैं बच्चो लेके नहीं जा रहे आपको, मिलने आई बस ऐसे ही। जय श्री कृष्ण कर दो मूड में नहीं है अभी। चॉकलेट खाओगे चॉकलेट आप?
चॉकलेट के नाम से देखो भागी जाएगी। नहीं उसे लगा कि आप लेकर आए हो। मत दो ना, वापस करो चलो। गंदी बात होती है, अच्छे दे दो वापस। गुड गर्ल। नहीं आना उसको। जाहल क्या कर रही है? अच्छा बच, वो जा रहे हैं, बाय कर दो चलो। बाय। तो गाइस खाना वाना हमारा हो चुका है और लाइट वेट बंद कर दो बाबू, थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, चप्पल नहीं पहनोगे आप? चप्पल पहनो चलो। चापानी, चप्पल बोलना नहीं आता अभी। चापानी चापानी, मम्मा ने तो पहन ली चप्पल, पापा ने भी पहन ली। चलो बैठो, चलो बैठो जल्दी। लाइट खोला भाई बाहर की। कुकु आप आइसक्रीम खाओगे? हैं? आइसक्रीम खाओगे आप? कितनी खाओगे? खाने आप चलोगे आइसक्रीम खाने? हम कुकु को यहीं छोड़ देंगे भाई, ठीक है हम जाएंगे। कुकु आप भी जाओगे मेरे साथ आइसक्रीम खाने? जाओगे आप? मन में सोच रही है मुझे छोड़ के कैसे चले जाओगे हैं? आप आइसक्रीम खाने जाओगे? किधर जाओगे? बूम बूम पे जाएंगे, बूम बूम पे। ओके चलो चलो खोलो। बूम बूम पे नहीं चलेंगे बेटे, ऐसे चलेंगे। बुड्ढे बना दो उसका। चलो आइसक्रीम खाने। सोच रही है कुछ। हाँ मम्मा नहीं लेगी, पापा लेंगे पापा। तो गाइस थोड़ा सा घूम के आते हैं और आके हम लोग सो जाएंगे क्योंकि खाना वाना हमारा हो चुका है।